पुलिस की गिरफ्त चो फरार हुआ नशा तस्कर कोर्ट च पेशी तो बाद ले जा रहे सी वापिस ढाबे च रोटी खान ले रुके सी पुलिस कर्मी बाथरूम जान दे बहाने तस्कर हो गया फरार। दस्सदे कि पुलिस की गिरफ्त दे विचों एक नशा तस्कर फरार हुआ जिसनों कि अमृतसर की अदालत दे विच पेश किया गया सी ते जदे ढाबे ते रोटी खान दे लई रुकदे ने तां बाथरूम जान दे बहाने ये उत्थों फरार हो जाता है जिस तों बाद पुलिस वालों मुलजम के परिवार को हिरासत दे विच लै लिया गया है। तो दस दिए कि गुजरात दे विच 200 किलो हैरोइन मामले दे विच एक मुलजम जोवनजीत सिंह नू गुजरात पुलिस वालों कल अमृतसर की मानयोग अदालत दे विच पेश करवा के गुजरात वापस ले जाया जा रहा सी। ता जंडियाला गुरु अधीन रस्ते दे विच एक ढाबे दे उत्ते गुजरात पुलिस उस मुलजम नू रोटी खवाउण दे लई रुकदी है। ता इस दौरान मुलजम दे परिवारक मैंबर भी उस नू मिलण दे लई ढाबे ते आ गए जिस तों बाद ओह मुलजम पुलिस नू ते परिवार नू चकमा दे के ढाबे तो फरार हो जाता है जिस तों बाद पुलिस ने मुलजम दे परिवारक मैंबरां नू हिरासत दे विच लै लिया। इस संबंधी जानकारी देंदे हुए पुलिस अधिकारी ने दस्या कि गुजरात तो एक मामले दे विच कथित मुलजम जोवनजीत सिंह नू अमृतसर विखे मानयोग अदालत दे विच पेश करवा के वापस गुजरात लैके जा रहे सी। ता जंडियाला गुरु नज़दीक ओह ढाबे ते रुकदे ने रोटी खाण जिस तों बाद परिवारक मैंबर भी उस नू उत्थे मिलण पहुंचदे ने पर कथित मुलजम सब नू धोखा दे के मौके तो फरार हो जांदा है। हम 14 तारीख को गुजरात से निकले थे 11:25 को। हम 15 तारीख को अमृतसर में आए थे और उसका नाम जोबन सिंह था। उसकी 16 तारीख को पेशी थी। हमने 16 तारीख को उसकी कोर्ट में पेशी करके वापस जा रहे थे तो रास्ते में हमने सोचा कि रास्ता आगे बंद है तो 4-5 घंटा तो बोले आधा घंटा इधर खाना खा लेते हैं उसके बाद हम जाते हैं गुजरात। तो मैंने खाना खाया उसकी माँ आई थी। उसकी माँ ने मैंने हमारे सामने हाथ जोड़ा बोले साहब खाना खा लो। तो उसने खाने की बात किया तो चलो हम खा लेते हैं लेकिन जब हाथ धोने गया तो पीछे से उन लोगों ने चकमा लेके भाग गया। हाथ कड़ी खोली वो खाना खाने खा बैठा था एक हाथ की हाथ कड़ी खोल दिया था। अच्छा। तो बोले साहब बाथरूम जाना है तो मैंने बोला बाथरूम बाद में जाते हैं तो पीछे से भाग गया चकमा लेके। इसके ऊपर कितना आरोप था कितने की ये उसके इसके अंदर उसको मालूम नहीं है। हम तो उसको पेशे करने आए थे क्या उसके ऊपर क्या पेशी है वो मालूम नहीं वो साहब अलग है। हम तो उसको कोर्ट में लेके आए उसके ऊपर तो अब क्या क्या कर रहे हैं इस संबंधी किस पुलिस को सूचित किया तो उसका मम्मी थी उसका मामा था उसकी मामी थी उसके दो मुद्देगार थे। तो हमने बोला इन चारों को ले लो पुलिस स्टेशन आप साथ में आए हो आपने बोला कि इधर खाना खा लो आप उसमें शामिल हो तो हमने साहब को बताया बोले चार साथ में थे उसके ऊपर कार्यवाही कीजिए। वो पकड़े हुए पुलिस हम पकड़ के लाए थे पकड़ के चौकी में दिए थाना में और साहब को उसको रिमोट मांगा अभी उसको पेशी करने आज जा रहे हैं। हम कल पकड़ के लाए थे चारों को ही अब जो परिवार वाले उनको पेशी करवा रहे हैं हाँ साथ उनको परवाह कर रहे हैं।